हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। सबसे पहले आप सबको दिल से धन्यवाद जो कि एक वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दिया है जो इंट्रो वाला था कि बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल पर आ चुके हैं। हमारा जो यूट्यूब की फैमिली है धीरे धीरे वो बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए, आज का जो स्पेशल वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। काफी सारे नए स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हैं जो कि बिगनर हैं, अभी नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको पता नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी कैसे है, सिलेबस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। इंग्लिश में तो हर चीज अवेलेबल होती है, आप सबको पता है ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हिंदी में कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, उसका पूरा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ इसमें कितने पेपर होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने टॉपिक क्या रखा है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसका पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का, जो हमारा 2021 का एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ पूरा देखेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का केवल है, कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मेंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मेंस का सिलेबस देखेंगे। और उसके बाद बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई, वो परेशान हैं कि सर ऑप्शनल के लिए कुछ बताइए। हर ऑप्शनल का सिलेबस, हर ऑप्शनल के लिए बुक, हर ऑप्शनल का पीडीएफ सब कुछ मैं आप लोगों को दूंगा, बस पेशेंस रखिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आज बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले पैटर्न समझते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें दो पेपर होते हैं। ठीक है, एक होगा आपका जीएस का पेपर सामान्य अध्ययन का और एक होगा आपका कौन सा सी सेट का पेपर। जीएस से आपकी मेरिट बनती है, ठीक, जैसे होता है ना कि प्रीलिम्स का पेपर दे के आप मेंस में जाएंगे, अगर आपका प्रीलिम्स में मेरिट बढ़िया है तो मेरिट जो बनती है प्रथम प्रश्न पत्र से बनती है, जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का। ठीक है, और ये जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर है सी सेट का, जिसे हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये होता है क्या, इसमें आपको केवल 33% हम लोग पहले समझ लेंगे, केवल 33% कंपलसरी होता है आपको पाना। जैसे कि सारा पैटर्न समझेंगे समझ में आएगा, आपकी जो मेरिट बनेगी प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर से बनेगी जहां जीएस पूछा जाएगा, दूसरे वाले में आप लोगों को अनिवार्य है कि उपस्थित रहें और 33% आप लोग लेकर आए। ठीक, अगर आप लोग 200 नंबर है, 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें अगर आप लोगों ने 66 नंबर गेन कर लिया है अर्थात 33%, तो आप लोग अवेलेबल है मेंस में जाने के लिए। जब आप इसमें देखिए, पेपर पहले ये होगा सेकेंड ये होगा, लेकिन कॉपी पहले ये चेक होती है। अगर आप लोग सी सेट में पास करते हैं, 33% लाते हैं, तभी आपकी जीएस फर्स्ट की पेपर चेक होगी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे, पैटर्न समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा। बहुत सही गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाली है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, जो क्वेश्चन की संख्या रहती है 100 प्रश्न आएंगे टोटल, उनका जो मार्क्स होगा 200, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक, और जो टाइम होगा वो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, जिनका प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आप लोगों को, सॉरी 2 नंबर मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। टॉपिक क्या क्या है, 7 टॉपिक है, सिर्फ इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया तो प्रीलिम्स आप लोगों का आराम से निकल सकता है। ठीक, राष्ट्रीय पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब जो नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिसके लिए हम लोग पहले से प्लेलिस्ट बना चुके हैं, कौन सा, डेली करंट अफेयर का, उसमें हम लोग इंटरनेशनल में जितने मुद्दे हो, मतलब जितने मुद्दे होते हैं, जितना कोई विवाद होता है, चाहे भारत का हो, श्रीलंका का हो, यूएसए का हो, मतलब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, जैसे इसराइल फिलिस्तीन चल रहा था उस पर हम लोगों ने 3 वीडियो शूट किया था, सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। यही से देख के अगर आप लोग प्लेलिस्ट में सही से विजिट किए होंगे तो पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। ठीक, तो ये आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, पहला हो गया। दूसरा, भारत का इतिहास, ध्यान देंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभिक परीक्षा की, इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए पढ़ना है उसे। ठीक है, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम करीब आ चुका है
सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आप लोग रिवाइज करिए और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर अपनी पकड़ बनाइए। जो जो आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया, बहुत सारे आंदोलन है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। और ये पूरा सिलेबस का है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत तथा विश्व का भूगोल। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़नी है, हिस्ट्री में केवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस में आपको दोनों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, तीनों में अंतर आप लोगों को अगर जियोग्राफी वाला लेक्चर देखेंगे मिल जाएगा, एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है भारतीय राजतंत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको भारतीय राजतंत्र और शासन के तहत गवर्नेंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, भारत का संविधान अर्थात जितने इसके आर्टिकल हैं, जितनी धाराएं हैं, सब कुछ पढ़ना है आपको, राजनीतिक प्रणाली पढ़नी है, साथ ही साथ पंचायती राज, ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, फोकस करके इन पर ध्यान देके पढ़ना है, ठीक। लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, जितने टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, इन सब के लिए टोटल, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए प्लेलिस्ट में 72 लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोगों को मिल जाएंगे, और वो सारा का सारा स्टैंडर्ड नोट, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर पर पूरी तरह से डिपेंड है, और उसका नोट्स अगर आप लोग बना लेते हैं तो प्री और मेंस दोनों आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इसमें आपको क्या पढ़ना है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली के तहत आप लोग देख लेंगे क्या, पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद आप लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके तहत राष्ट्रपति आ जाएगा, मुख्यमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, सीएजी, एलएजी, सारे जितने अधिकारी होते हैं सब आ जाएंगे, पंचायती राज। और आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होता है, आगे चलकर जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद ताज का शासन होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। सबकी आप लोगों को वीडियो सबके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और एक एक टॉपिक बाई टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे, ठीक, परेशान नहीं होंगे, देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में सॉरी की गई पहल, ये सब प्लेलिस्ट में 45 लेक्चर हैं इकोनॉमिक्स के, जाके पढ़ेंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट के लेक्चर भी आते रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, बस पेशेंस रख के पढ़ाई करेंगे सॉरी। फिर आपको पढ़ना है एनवायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा करंट से इसे जोड़ सकते हैं, करंट के जो मैं वीडियोस लाता हूँ उसको आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी आएगा, ओजोन परत से रिलेटेड आएगा, साथ ही साथ जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है इससे भी आएगा, जैव विविधता हो गया, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगी, लेकिन एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट नहीं होगी, जल्दी आने वाली है वीडियो जिस पर भी शूट होने वाले हैं, करंट देखते रहिए। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट आपका आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसमें क्या होता है, हाईस्कूल लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोग अगर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा पैटर्न था प्रथम प्रश्न पत्र का, जो हमारा प्रीलिम्स का जीएस का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है, जनरल स्टडी का। इससे आपकी मेरिट बनेगी, इसमें आप जितना नंबर गेन करेंगे, जितने कैंडिडेट होंगे, मेरिट बना के आप लोगों को मेंस के लिए भेजा जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड प्रश्न को, सेकंड प्रश्न पत्र की, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे हम लोग सी सेट बोलते हैं, ठीक, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टोटल प्रश्न की संख्या 80, अंक कितने हैं 200 अंक का ये भी होगा, मतलब मार्क्स 200 ही होंगे लेकिन प्रश्न केवल 80 हैं, अगर हम लोग 200 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 अर्थात एक प्रश्न जो होगा वह 2.5 मतलब ढाई नंबर का होगा, और अवधि इसमें भी 2 घंटे दी जाएगी। इसमें क्या पूछा जाएगा, बोध्य गम्यता, इसमें क्या होता है कि आपके एप्टीट्यूड के बारे में जाना जाता है कि आप योग्य हैं कि नहीं एक सिविल सर्वेंट के, ठीक है, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपके कौशल को देखने के लिए किया जाता है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पर कार्य कर सकते हैं कि नहीं, बाकी मेरिट इससे बननी है, जीएस आपको यहाँ के लिए पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल, आपके अंदर क्या है, आप कैसी आपकी मानसिकता है, आप थिंकिंग क्या रखते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए इसमें केवल 33% क्या किया गया है, कंपल्सरी किया गया, आपको सिर्फ इसे पास मार्का लाना है, केवल 33%
200 में से 66 नंबर आपको लाना है, बस मेरिट इससे बनेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग फोकस करके जीएस पढ़ेंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ये सिर्फ पास करना है आपको, निर्णय लेना, समस्या समाधान। आप एक सिविल सर्वेंट है, उसके लिए आपको मुद्दे दिए जाएंगे, विवाद या वाद दिए जाएंगे, उस पर आपको अपना वक्तव्य देना है, मार्क करना, सिर्फ टिक करना है। ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सिर्फ आपको वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसे पढ़ के आपको टिक करना है कि इसमें आप क्या निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें आप लोगों की आ जाएगी क्या, रीजनिंग आ जाएगी, रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आधारभूत संख्यन, मतलब मैथ जो है सिर्फ टेंथ लेवल की, मैंने यहां लिख रखा है दसवीं स्तर तक, हाई स्कूल लेवल तक अगर आप लोगों ने मैथ सही से पढ़ लिया है, जैसे कि आपका पाईग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, और नंबर सिस्टम हो गया, SI/CI हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, इन्हीं सब जगहों से प्रश्न बनता है इसमें। अगर आप लोग कोई भी SSC का भी कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे वनडे एग्जाम की, तो आप लोग CSAT आराम से निकाल सकते हैं, फोकस इसपे करना है, ठीक। उसके बाद तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब आप किसी मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं ये देखा जाएगा। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता, मतलब हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, अंग्रेजी पे फोकस नहीं करना है, इंग्लिश के लिए हाई स्कूल लेवल तक अगर आप लोग पढ़े होंगे, फिल इन द ब्लिंक्स आता है, ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, या फिर पैराग्राफ दिया रहेगा उसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत इजी होता है CSAT, बस आप लोगों को क्या करना है कि इसको हल्के में नहीं लेना है, क्यों, अगर आप लोग इसमें 33% नहीं लाते हैं तो आपकी ये कॉपी नहीं चेक होगी, और ये कॉपी चेक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आप फेल कर दिए जाएंगे, ठीक। इसमें सिर्फ पास होना है, मेरिट आपकी फर्स्ट पेपर से बनेगी, टोटल प्रश्न 100 अंक, 200 अवधि 2 घंटे की, ठीक। पढ़ना क्या क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, हिंदी मीडियम में बहुत कम जगहों पर ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इतने डिटेल में, ठीक। एक एक टॉपिक में आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे पढ़ना है, और जितने टॉपिक हैं प्रीलिम्स के, प्रेजेंट टाइम में जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी तक में ये सारे लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक लेक्चर का नोट्स बनाएंगे और सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, UPSC का प्रीलिम्स का सिलेबस, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वीडियो लंबा होता है इसलिए मैं मेंस का नहीं लेके आया हूँ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या होता है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर करनी है, एक ही बुक प्रेफर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, मैं 2 मिनट और लूंगा, कह रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना है। आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल पर तो वहां IAS कैसे बने एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आई थिंक दूसरा वीडियो है कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, या पहला वीडियो है कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो GS के लिए कौन सी बुक आपको बेस्ट होगी, IR के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इथिक्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सब चीजों की बुक लिस्ट आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, करंट अफेयर कहां से कवर करना है। अब हम लोग जैसे ही देखेंगे क्या मेंस का सिलेबस, उसके जस्ट बाद एक वीडियो लेकर आएंगे कि जो बिगनर हैं स्टार्ट कैसे करें। काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि सर NCERT कैसे कवर करें, आप लोगों को मैं बता दूं, पाठ्यक्रम में भी बताया हूं, जो मैं बुक लिस्ट दिया हूं कि आपको सारी NCERT हर सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, 6 to 12 मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी, वेट करिए, आज इसके बाद दूसरा वीडियो वही आएगा, NCERT कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। हम लोगों का टारगेट यही है, बिना फीस के सेलेक्ट होना है, हार्डवर्क करना है, गाइड मैं करूंगा जितना हो सकेगा, बाकी अगर किसी और की जरूरत पड़ेगी प्लेटफॉर्म पर मैं ले आऊंगा और आप लोगों के लिए अवेलेबल रखूंगा। इसलिए जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए और अपने YouTube की फैमिली को बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे करके दोस्तों को जोड़ते रहिए और उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाइए जहां सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ली गई है, जो गांव में रह रहे हैं या शहरों में हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे और हार्डवर्क करते रह गए, पेशेंस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जल्दबाजी का काम सही नहीं होता। इसलिए आज का वीडियो जो था इसमें हम लोगों ने बात किया प्रारंभिक परीक्षा, इसका सिलेबस आप लोग सही तरीके से जगह लिखिए, जहां पढ़ते हैं अपने टेबल के पास में इसे दीवार में चस्पा कर दीजिए, लगा दीजिए, डेली सिलेबस देखिए, सिलेबस आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जिससे कि पढ़ते समय कोई भी टॉपिक पढ़िए पता लग जाए कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। कल के वीडियो में मेंस का सिलेबस देखेंगे, आई होप इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी उसी तरह शेयर करिए और दोस्तों में जितना हो सके पहुंचाइए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।